गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब क्लासेस। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 टाइम। ओके, एक्सरसाइज 8.1। व्हाट इज द टाइम शोन इन द फॉलोइंग क्लॉक। इसमें देखिए हमें कितना टाइम शो करना है, कितने हमारे क्लॉक हो रहे हैं। तो देखिए हमारे इसमें क्या हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है, इसमें 5 o'clock है, इसमें 11 o'clock है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट में। राइट द टाइम इन द टू वे, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 1 o'clock हो रहा है, इसमें 2 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock। ठीक है, ये देखिए, ड्रॉ द फोर हैंड, मतलब हमें इसमें क्या चेक करना है। देखिए मेन चीज़ है हमें वॉच कैसे देखनी है। अगर हमारी छोटी वाली सुई जितने पे है, हम देखिए छोटी वाली सुई हमारी कितनी है, 1 पे है, बड़ी वाली 12 पे है, तो इसका मतलब 1 o'clock हो रहा है। अगर बड़ी वाली सुई 15 पे होती है, 5 5 की इसमें क्या है, ब्लॉक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे वॉच चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक करना। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। देयर आर 7 डे इन ए वीक, कितने वीक होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, एक मंथ में कितने 12 मंथ होते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, जनवरी होता है। नवंबर मंथ जस्ट कम आफ्टर अक्टूबर का कौन सा आता है, नवंबर आता है। इफ टुडे इज द वेनसडे देन द यस्टरडे वाज ट्यूजडे, मतलब अगर हमारा आज वेनसडे है तो कल क्या था, कल ट्यूजडे था, और कल आने वाला कल क्या आएगा, थर्सडे आएगा। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। द मंथ है दैट बिगिन विद द लेटर मार्च एंड मे। ठीक है, ये देख हमारा ये कहना चाह रहा है, जो मंथ हमारा एम से स्टार्ट होता है उस हम कहेंगे मार्च और मे कहते हैं। राइट द टाइम सोन इन द फॉलोइंग क्लॉक, तो देखिए इसमें हमारा कितना हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 5 o'clock, इसमें 7 o'clock, इसमें 8 o'clock, इसमें 11 o'clock। ड्रॉ द आवर एंड ईच ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आवर एंड हमें डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 1 PM तो 1 पे छोटी वाली सुई लगा देंगे, 3 करना है 3 पे छोटी लगा देंगे, 5 करना है 5 पे स्मॉल लगा देंगे, 8 करना है 8 पे छोटी, 9 पे स्मॉल। ठीक है, फिर द ब्लैक, वेनसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। तो देखिए फर्स्ट डे मैंने क्या बताया, संडे होता है, तो मंडे फर्स्ट हो गया हमारा, ट्यूजडे सेकंड हो गया, थर्ड डे वीक हमारा क्या हो गया, वेनसडे हो गया, थर्सडे हमारा फोर्थ हो गया, फ्राइडे हमारा फिफ्थ हो गया, सैटरडे हमारा क्या हो गया, 6th हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लास्ट हो गया। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, हमें एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या करना है, घर पे हमारे घर पे सबके यहाँ वॉच है ही, वर्ल्ड वॉच, उन्हें देख के हमें प्रैक्टिस करनी है बच्चे को। ठीक है, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग बच्चों को वॉच देखना जरूर सिखाएं। ठीक है, हम उन्हें बताएं कि जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ये बेटे 5 5 मिनट्स का होता है, टोटल जो डिस्टेंस है 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों को इजीली वॉच वगैरह देख सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसमें कैलेंडर भी दे रखा है, लेकिन कैलेंडर हमारे इस वाली फर्स्ट क्लास में नहीं है, कैलेंडर हमारा सेकेंड क्लास में। ओके, थैंक यू।